नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु जो है उस शब्द का अर्थ क्या है। और गुरु शब्द को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो अंधकार को दूर करके प्रकाश लाता है। तो कई बार हम ये सुनते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो शिष्यत्व चाहिए वो कैसे हमारे अंदर विकसित हो, उसके बारे में और गुरु की महिमा के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे मित्र वैदिक स्कॉलर और ब्रह्मर्षि महेश योगी जी के सन्निधि में लाभ प्राप्त करने वाले शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी को। शास्त्री जी प्रणाम, आपको नमस्कार। जय गुरुदेव, नमस्कार। जय गुरुदेव। तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए आप बताएं अपने जीवन में, जो आप गुरुकुल में रहे और एक महर्षि जो है उनका सानिध्य आपको मिला, क्या विशेष बात रहती है जीवन में जब कोई ऐसे जिन्हें हम एनलाइटेंड बीइंग कहते हैं या पहुंचे हुए बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उनका सामिप्य मिले तो उसकी क्या विशेषता होती है? तो आपके इस प्रश्न के उत्तर में मेरी तरफ से यह है कि यह जान पाना भी कि क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, और इसका उत्तर सूझ में आना भी गुरु कृपा बिना संभव ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कुछ भी उत्तम या कल्याणकारी मेरे जीवन में है या किसी के भी जीवन में है, वह सब गुरु कृपा का ही है। तो एक स्तोत्र की लास्ट की दो लाइनें मुझे स्मरण में हो रही हैं, गुरोर कृपा ही केवलम। तो केवल केवल मात्र गुरु कृपा ही है जो आपको आपके जीवन में सुख की अनुभूति या कल्याणकारी अनुभूति या फिर नीर छीर विवेक का अनुभव ज्ञान देती है, वह गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की कई भूमिकाएं हो सकती हैं और अनेक 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 दिशाओं से, अनेक अनेक तरह से और अनेक अनेक रूपों में गुरु आपके जीवन को प्रकाशित और प्रभावित करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि गुरु अनेक दिशाओं से, अनेक तरह से, अनेक भूमिकाओं में आपके जीवन में आपका उद्धार करते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। तो शास्त्री जी, गुरु की ओर पुनः लौटते हुए पहले आपके साथ में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थल है जहाँ पर अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो वो शिष्यत्व जब अपना स्वीकार लेते हैं उसके बाद जो ज्ञान की धारा का प्रवाह होता है, वो हमने ये जो सखा है दोनों अर्जुन और कृष्ण उनके मध्य भी देखा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि शिष्यत्व नहीं होगा तो गुरु की सन्निधि का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो गुरु मुखरित ही तब होंगे जब शिष्यत्व हो। तो पहले तो आप ये बताएं कि अच्छा शिष्य कौन है और अच्छा शिष्य बनने के लिए सजगता पूर्वक क्या किया जा सकता है? मेरी ये मान्यता है कि अच्छा शिष्य होने के लिए अपने आप को एक सूक्त, मुझे पूरा तो स्मरण नहीं है पर मैं कहूंगा, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो ऐसे कहा हमारे यहाँ, जब उपनयन संस्कार करते हैं हम अपनी 16 संस्कारों, उपनयन संस्कार एक बड़ा संस्कार माना गया है जिसमें वेदारंभ संस्कार भी उसमें सन्निहित होता है। तो उसमें एक एक संविधा, एक एक दंड जो है ना, वो उसको दिया जाता है जो जिसका उपनयन होता है। तो ये कहा कि शिष्य को
सूखे शुष्क लकड़ी की भांति दंडवत होना चाहिए। मतलब ये होना है कि वह कुछ नहीं जानता है, वह बिल्कुल अबोध है, उसमें कोई बोध नहीं है। और जो निर्बोध होकर के गुरु की सन्निधि को प्राप्त करेगा, गुरु की शरण को प्राप्त करेगा, मतलब यह है कि वह खाली होकर जाए। घड़ा यदि कुछ भी भरा अपना कुछ लेकर जाएगा तो गुरु उसमें अपना सब कुछ उड़ेल नहीं सकते हैं। तो उसको अपनी तरफ से कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बिल्कुल इस शुष्क लकड़ी की भांति हूं, तो यदि इस तरह से वह गुरु की सन्निधि में जाता है तो फिर गुरु अपनी तरफ से फिर उसे बोध देते हैं और फिर वह बोधवान बनता है या बुद्धिमान बनता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। आपकी बात का थोड़ा सा और गहराई में जाते हुए ये लगता है कि आप अहंकार से परे जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जी मैं जानता हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं ऐसा हूं, ये वाला जो भाव है वो कहीं पर्दे खींच देता है और फिर जो गुरु का संकेत है वो पकड़ने की पात्रता नहीं रह जाती है। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि वो भी गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है कि कोई शिष्य अहंकार रहित हो जाए। और कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस युग में या प्रत्येक काल में शायद ऐसा रहता हो कि अपनी अस्तित्व, अपनी अस्मिता, सफल होना, उपलब्धियां अर्जित करना, उस सब के आधार में कहीं ना कहीं अहंकार के पोषित होने की स्थितियां बन भी जाती हैं और कहीं अचेतन में हमें लगता है कि वो आवश्यक है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये अहंकार के ही रूप है। जब ये लगता है कि आवश्यक है तो वो निर्मल चित्त में ये बात तो आ ही नहीं सकती है। वह तो मैं ये मानता हूं कि आवश्यकता और अनावश्यकता ये दोनों ही चीजें जब व्यक्ति गुरुदेव पर ही छोड़ता है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, मुझे मेरी क्या दिशा होनी चाहिए, मेरी क्या दशा होनी चाहिए और मेरे जीवन का उद्धार किस राह में है, यह मैं नहीं जानता हूं। यह संपूर्ण रूप से यदि वह गुरुदेव पर छोड़ता है तभी गुरु की पूर्ण कृपा या पूर्णता, पूर्ण शिष्यत्व या शिष्य होने की जो लक्षण है, यह मेरी मान्यता है और शास्त्र भी कहीं ना कहीं इसी तरह की इशारा करते हैं कि शिष्य होने की पूरी तरह से, एक जैसा आपका प्रश्न था कि अच्छे शिष्य के लक्षण क्या हैं, तो मैं ये मानता हूं अच्छा शिष्य होने के लिए गुरु पर ही यह निर्णय छोड़ देना कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं और मेरी पात्रता को मैं क्या आकलन करूं, आप आकलन करें, आप निर्णय करें कि मैं किस तरह की पात्रता को लेकर कहाँ जाऊं। जैसे अभी भगवद गीता का आपने उद्धरण दिया तो भगवान श्री कृष्ण पर अर्जुन यही तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे दिशा दीजिए कि मुझे क्या करना है और फिर आप जो कहेंगे वही मैं करिष्ये वचनम तव। अंत में अर्जुन यही तो कहते हैं कि हे केशव, अब मैं अपना सब कुछ छोड़ते हुए मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का पालन करना ही मेरी संपूर्ण ज्ञान की या मेरे मेरे होने की वो है, तो आप जो कहेंगे वह मैं करूंगा, इसलिए आप मुझे, आप मेरी दिशा को तय करिए। अब इसमें हम अपने संदर्भों को जोड़ते हुए इस प्रसंग से गुरु तत्व के बारे में और आगे थोड़ा चिंतन करें विमर्शात्मक। तो मैंने अपने गुरु से जो देह रूप में जब स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज थे तो अनेकों बार सुना कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, तो गुरु चेतना है पर वो एक व्यक्ति के रूप में हमारे सम्मुख होती है। और हम कई बार जब आप ये कह रहे हैं कि जैसा वो कहें वैसा करें, तो हम में से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक व्यक्ति है जो स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। पर ये जो बात है गुरु शिष्य परंपरा में,
वो चेतना के चेतना से संपर्क की बात है। तो जो जितना अधिक संवेदनात्मक रूप से शुद्ध हो गया होगा तो वो सुन पाएगा कि गुरु क्या कह रहे हैं, वरना गुरु की बात की जगह पर भी अहंकार बोल जाएगा गुरु के नाम पे। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इस तरह का है, हम रामायण में एक प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम की, और उसमें कहते हैं कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। और उसमें यह प्रार्थना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि हे राघव मुझे निर्भरा भक्ति दो। और उसका अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण दिशाओं से संपूर्ण रूप से आप पर निर्भर हूं, पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। या यूं मानिए, मैं आपको कहूंगा कि जब तक हमारे एक छोटी सी कहावत कहते हैं, छोटे बछड़े पै पिए बड़े रहें भूस खाए, और उसका अभिप्राय है कि जब वो गाय का बछड़ा है जब छोटा होता है तो वो गौ माता अपना पैपान कराती है उसको, अपने वत्स को, बछड़े को। और हमने देखा है, चूंकि छोटे गांव में जन्मे तो गौशाला थी, अभी भी गौशाला है, आप भी ने देखा, तो जब गाय का बछड़ा छोटा होता है तो गौ माता उसको चारों तरफ से घेरे रहती है, मतलब वो शाम सुबह वो भाग करके उसको पैपान कराने के लिए दौड़ती। जब वो बड़ा हो जाता है उसको अपनेपन की, हालांकि बड़ा तो होना ही है, वो मैं उसको ये नहीं कहता बड़ा नहीं होना है, पर वो गौ माता जब दूध पिला के उसको बड़ा करती है तो फिर उसको दूध पीना या गौ माता फिर उसको ज्यादा महत्व तो नहीं देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति जब तक गुरुदेव की कृपा और अपने आप को गुरुदेव के समक्ष, संसार के सामने समक्ष सामर्थ्यवान रहना है और अपने गुरुदेव के समक्ष बोध होने के पश्चात भी, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के पश्चात भी वही वही स्थिति बनाए रखनी कि गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूं और उस अबोध शिशु की भांति हूं अभी भी, बोध के बावजूद भी, तो संसार के समक्ष तो मैं सामर्थ्यवान हो चुका हूं गुरुदेव की ही कृपा से, परंतु गुरुदेव के समक्ष, उस चेतना के समक्ष, भले गुरुदेव देह रूप में न भी हो तो भी गुरु तत्व के समक्ष या गुरुता के समक्ष अपने आप को निर्बोध, अबोध और शिशुवत समझ कर रखने से वह जो चेतना है, गुरु तत्व है, वह आपको चारों तरफ से घेरे रहता है और आपकी दिशा आपको अहम में जाने नहीं देगा और आपको और बोध की आवश्यकता सदैव है। तो क्षण क्षण वो आपको दिशा देंगे गुरुदेव और आप सही दिशा में चलते रहेंगे। तो जैसे अंग्रेजी भाषा में कहें इटर्नल कंपेनियन, तो हम शाश्वत सखा की बात कर रहे हैं जो कि हमारे भीतर है और वो हमारे भीतर मुखरित हो, इसके लिए जो साधना करनी चाहिए उस दिशा में गुरु पूर्णिमा के पर्व को भी विशेष रूप से मान्यता दी गई है। पर गुरु पूर्णिमा से थोड़ा सा अलग हटके जब हम ऐसा देखते हैं कि समय हर तरह की समस्या के समाधान के रूप में भी देखते हैं और काल को गुरु के रूप में भी कहा है, दरअसल काल के साथ इतनी सारी बातें हैं, तो कहते हैं जो ईश्वर है वो तो आदि अंत से परे है, तो काल में वो सीमित है नहीं, पर काल भी कहीं ना कहीं उसी का स्वरूप है ऐसा भी कहा गया। तो सार में प्रश्न ये आपसे शास्त्री जी की, क्या समय को भी गुरु के रूप में लिया जा सकता है? बिल्कुल, गुरु तत्व तो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक है तो मतलब वह तो है ही। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, मैं इस लोक के क्षरण करने वाला या उन्नति करने वाला काल मैं ही तो हूं। तो अभिप्राय है वहां तो भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में ही अर्जुन को बोध प्रदान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि काल और समय भी गुरु है। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार हम लोग बात बात में करते हैं कि समय सब कुछ सिखा देता है,
समय सबसे बड़ा गुरु है, ऐसे भी कहा जाता है, समय से बड़ा गुरु और कोई नहीं है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। तो यह जो है ना अनुभूति देते देते समय आपको परिपक्व करता है, तो स्वाभाविक है। और जैसे प्रारंभ में हमने ये बात करी थी कि गुरु सर्वव्यापक है, तो वह काल के रूप में भी आपको बोध देता है, वह माँ के रूप में भी होता है, वह पिता के रूप में भी हो सकता है, वह आपके सखा के रूप में हो सकता है। हमने श्रीमद् भागवतम में दत्तात्रेय जी के मुखारविंद से ये श्रवण किया कि उन्होंने कहा कि मैंने 24 गुरु बनाए, और उनके गुरुओं की जो श्रृंखला है, जो 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 सारणी है, उसमें वो कहते हैं कि एक गधे से भी कुछ मैंने सीख लिया, फिर वो कहते हैं एक वैश्य से भी, एक कबूतर से भी, पहाड़ से भी, कन्या से भी, तो अजगर से भी कुछ शिक्षा ली। तो ये सब अलग अलग जो पात्र हैं उनमें से जहां से कुछ आपको सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, वह कितनी भी कैसी भी घटना हो, तो वह आपको गुरु के रूप में वहां से भी आप कुछ ग्रहण करते हैं। तो समय के हिसाब से एक एक काल में कोई ना कोई घटना, कोई टाइम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए स्वाभाविक है समय सबसे बड़ा गुरु है और गुरु सर्वव्यापक है, तो काल के रूप में भी आपके जीवन को बोध देता है। समय सिखाता है, पर फिर वो बात आती है कि अगर सीखने को हम तैयार हैं या हमें सीखना आता है तो वो सिखाता होगा। ऐसा कहते हुए मैं आगे ये जिज्ञासा लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ शास्त्री जी, कि कई लोग समय से सीखते नहीं और कई लोग समय से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ऐसा हम अपने व्यवहार जगत में देखते हैं। आपने समय से क्या सीखा, और ऐसा ऐसी आंतरिक चुस्ती कैसे आए कि हम समय क्या कह रहा है उसको पढ़ सकें और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालें? तो समय से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है, और अभी ऐसे नहीं है कि शिक्षा पूर्ण होगी, शिक्षा तो अनेक अनेक जन्म हम लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे, तब तक वो चलती रहेगी। तो समय से यह जानने का की अनुभूति हुई कि जो चीजें हमने कल समझी थी कि यह जीवन के लिए अनुकूल हो सकती हैं, वह समय काल प्रवाह में वो प्रतिकूल होती हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम होना, यह समय से शिक्षा ग्रहण करने का संदेश हमें प्राप्त होता है और प्राप्त करना चाहिए। और यह भी कि समय एक सा नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा, तो आप किसी एक चीज को ये समझ करके कि बस अब हो गया और यह सब कुछ ऐसा ही रहेगा, वो नहीं होने वाला है। समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन संसार का नियम है। यह समय से शिक्षा ग्रहण करने का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि समय परिवर्तनशील है और जीवन में सब कुछ परिवर्तन होगा। आप आज प्रसन्न हैं, यह प्रसन्नता आपकी सदा बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह आप प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्नता सदा बनी रहेगी, इसमें भी आप इसलिए निश्चिंत हो जाइए, चिंता मत करिए और अहंकार शून्य रहिए, अहंकार में भी मत चले जाइए और चिंतित भी बहुत होइए, तो आप आनंद में रहें और प्रभु की प्रार्थना करते रहें। तो गुरु के संदर्भ को लेते हुए जब समय से सीख की बात कर रहे हैं, तो हमने ये बहुत बार सुना है कि जो इतिहास से सीखते नहीं है तो वो पुनः उस त्रासदी को भोगने के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इतिहास से सीखने की बात अपने स्थान पर है, और नई पीढ़ी से भी बहुत कुछ सीखने की बात अब इसलिए आ गई है, एक तो क्योंकि जो तकनीकी युग है इसमें बालक जो है छोटे छोटे, वो अपने माता पिता, अपने दादा दादी की तुलना में अगर फोन में कोई ऐप डाउनलोड करना है या किस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पे कुछ करना है तो उनको बहुत ज्यादा पता होता है। पहले हम जब बच्चे थे तो मन में कहीं होता था कि जो बड़े हैं उनको अधिक पता है, तो ये जो अधिक पता होना है वो भी एक प्रकार से सम्मान बनाए रखने का एक कारण होता था। अनिवार्य रूप से सब घरों में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इस दृष्टि से आपको क्या लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी का दृष्टिकोण है
उससे क्या सीखा जाए, जाना चाहिए? तो देखिए, जो ये तो ऐप का डाउनलोड हो जाना या टेलीफोन को चला लेना या कंप्यूटर को चला लेना या बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेना या बहुत सारी भाषाओं को जान लेना, ये एक अलग बात है, मैं ऐसा मान्यता हूँ। और जीवन को समय के साथ में, जीवन को बोध में जीने का जो जो नजरिया है या जो तो जो उम्र में जो बड़े लोग हैं, उन्होंने जीवन को जी करके बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। तो जैसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति वो डाउनलोड तो कर लेता है ऐप, लेकिन वास्तव में उसे जीवन को वो जी नहीं पाया है अभी बहुत, तो वो उस बुजुर्ग की अपेक्षा मैं कहूंगा कि अभी वो अबोध है। वो सिर्फ वो टेक्निकली वो चीजें तो कर सकता है, लेकिन वास्तव में जीवन के संघर्ष को, जीवन की आपाधापी में जी करके जीवन को कैसे सुलझा हुआ व्यक्तित्व बनना है, वो तो अनुभव से ही आएगा और गुरु की सन्निधि में रहकर ही आएगा। तो चलते चलते जो गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और इसके साथ इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, तो वो भी संक्षेप में यदि आप बताएं कि व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं और वेद व्यासी का जो योगदान कह दीजिए भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, उसके बारे में भी कुछ कहें। इसलिए है कि हमारे यहाँ ऐसे कहा, व्यासोक्तिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कहा कि महर्षि वेद व्यास ने भारतीय नहीं कहूंगा, वैदिक सनातन संस्कृति को को जो विस्तार दिया और जो जितने ग्रंथों की जो रचना की, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन संस्कृति को, और मैं कह सनातन संस्कृति तो आज हमें कहना पड़ रहा है, पर जब महर्षि वेदव्यास ने समस्त शास्त्रों का की रचना की थी तो वो मानव मात्र के लिए की थी, मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय कोई दूसरे धर्म इस पृथ्वी पर नहीं थे जब महर्षि वेदव्यास ने, तो महर्षि वेदव्यास ने ना सिर्फ मानव मात्र के लिए, जीवन मात्र के लिए ये जीने की विधि बताई थी, जो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के रूप में आज हमारे समक्ष है। तो स्वाभाविक है कि हमें जिन विधियों के द्वारा और जिसके कारण हम मानव हैं, हम दानव नहीं हैं, तो जिन जिन महर्षि के कारण, जिन जिन ऋषियों की कृपा के कारण हम उस परंपरा को लेके चल रहे हैं, हमारी परंपरा के जो संवाहक रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनके प्रति उनको धन्यवाद स्वरूप कृतज्ञता ज्ञापन करना कि अगर वो न होते तो हमारी संस्कृति का हम जिन जीवन मूल्यों को लेकर जीवन जी रहे हैं वो हमारे पास न होते और हमारी दिशा, हमारी दशा कुछ अलग होती तो हम तो पथभ्रष्ट से लोग होते। इसलिए व्यास पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास को और उन्हीं वेदव्यास की परंपरा के संवाहक जो हमारे अपने जो गुरु हैं, वो उन्हीं उन्हीं वेदव्यास की परंपरा के संवाहक हैं, तो उनके उनके माध्यम से महर्षि वेदव्यास तक उनके प्रति कृतज्ञता के भाव को ज्ञापन करना और उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना, यही गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और मैं मानता हूं कि सबको इस दिन को अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ होना है, उनका वंदन अभिनंदन करना है और धन्यवाद स्वरूप गुरुदेव का पूजन करना है। और यह पूजन न सिर्फ यह है कि उनके चरणों में बस प्रणाम करके और पुष्प इत्यादि वंदन करना, इतना ही नहीं, अपने जीवन में उन जीवन मूल्यों को उतारते हुए जीवन को जीना उस तरह से जैसा उन्होंने हमें संदेश दिया है। बहुत सुंदर आपने बताया शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, ये बात भी याद आती है कि करुणा जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और दैवी संपदा के संदर्भ को लेते हुए भी मैत्री, दया, करुणा, मुदिता इत्यादि भी कुछ संदर्भ आते हैं। पर जब हम आज के इस विमर्श का समापन कर रहे हैं
तो भारतीय संस्कृति का सार इन पंक्तियों में भी प्रकट होता लगता है। परहित सरिस धरम नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो हम दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएं और दूसरे के हित के बारे में सोचें, ये मानवीय संस्कृति का आधार है। जैसा आपने कहा, इसका कोई सनातन या हिंदू संस्कृति कहना अब तो इस रूप में आवश्यक है, तात्कालिक समाज में जिस प्रकार का एक भाव बन गया है, पर ये तो मानव मात्र के लिए अनिवार्य कह दें या उसको उन्नत करने वाले गुण हैं कि वो संवेदनशील हो और दूसरे की पीड़ा नहीं पहुंचाए। वो मुझे आपके साथ अपने दादाजी के द्वारा, जो उनके गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पंक्ति, वो कई बार कहते थे कि हमें दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। तो जी ये सूत्रात्मक सरल रूप में मुख्य बातें हैं और वो काल के साथ भी हमारे संबंध को सुंदर बनाने में सहायक होती हैं। शास्त्री जगदीश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव। तो गुरु के रूप में समय को अपनाने वाली सजगता हमारे साथ रहे तो हमारी प्रसन्नता को कोई छू नहीं सकता है। इस आस्था के साथ में पुनः आपका आभार, अशोक अनुमति।